भक्सिया भगवान जैसे नीर बढ़े गंगा की वैसे उमरिया बढ़े तार। जान मेरे माँ बेटा इंदल माँ चमनपुर कॉलेज से आई हो बेटा, थकी मरी हो किसने बता बेटा मधुपुर कॉलेज की माँ। हाँ बेटा सभी कुशल अच्छा है माँ मधुपुर कॉलेज का। अच्छा बेटा माँ अरे बताओ माँ इंद्रजीत आपकी भवन में आया था कि नहीं बेटा? इंद्रजीत का बारे में मुझसे पूछ रही हो? ना बेटा मेरे भवन में नहीं आई माँ। ना बेटा जब मैं दोनों में नगर भवन से वहां गया तो दो रोज हुआ तो इंद्रजीत ने बोला मुझसे भैया आने से मैंने मैंने अपनी माँ से मुलाकात नहीं की, मुझे माँ की याद आ रहा है, मुझे छुट्टी दो। लाख समझाया बात को नहीं माना, मैंने 7 रोज को छुट्टी दी। बेटा इंदल मूर्ख का बेटा मूर्ख होता है, कितना समझाएगी बेटा तो क्या बात मानेगा? इंद्रजीत ने बोला मुझसे भैया मैं 8वां रोज जरूर लौट के आऊंगा। अच्छा लेकिन 8वां रोज बीत चुका इंद्रजीत लौट के नहीं गया वहां। मेरे मन में शंका उठा माँ। क्या तेरे मन में अशगुन हुई बेटा? क्यों नहीं मेरी माँ। कैसा अशगुन हुई? जब मैं वहां से चला हे गए सुखला गा छप मैया गए बेटा इंदल कागा एक पक्षी है बेटा, अगर अशगुन होगा ना होगा उसे तो बोलना ही है बेटा। अधवतिया में मिल गल एक वृद्धा बावन। हाँ बेटा सियार दहिन से बाम भेलो बेटा यस गुण मालूम पर सुन ले
आई दल माँ चलो मोती भवन में बेटा दूध भर कटोरा रखी हूँ भोजन बना कर रखी हूँ बेटा मधुपुर कॉलेज से थकी मरी हुई मैंने मेरी माँ आप तो जानते हो माँ कि मेरा चाचा डकैता कितना शैतान है उसने इंद्रजीत के मुझे सौंपा था जब तक इंद्रजीत नहीं मुझे मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता माँ ये क्या कर रही है बेटा अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो चाचा मेरे प्राण नहीं बचने देगा माँ देखो बेटा हे मैया सुना है बुढ़िया मोर इंद्रजीत अगर आपके भवन में नहीं आ तो कहीं झुंझन घर वाले की मुरंग में नहीं भवन में गया क्या हाँ बेटा हो सकता है लाभी देवर का रिश्ता तो पक्का पक्की होगा पनमा को पास में कहीं गई होगी जरूर माँ इसलिए बेटा चलो भोजन कर लो और मधुपुर कॉलेज को चली जाओ नहीं मेरी माँ जब तक मुझे मेरे भाई नहीं मिलेगा है खाना पीना मैया मन नहीं भावई अरे क्यों बोल रहे हैं बेटा है भाई से मिला के मतारी मोह